टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है एसी जनरेटर। जनरेटर जो है बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिव करंट के असूल पर काम करता है। एसी जो है हमारे पास ऑल्टरनेटिव करंट होता है, एक ऐसा करंट जो हर सेकंड के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है, थ्रू आउट द प्रोसेस इसी तरीके से फ्लो करता चला जाता है। जबकि जो डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता चला जाता है थ्रू आउट द प्रोसेस। अब जो जनरेटर है, जनरेटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है कि हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी, इन दोनों एनर्जीज को यूज़ करता है और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो आना शुरू हो जाता है, और जो इलेक्ट्रिकल करंट हमें मिलता है इस एसी जनरेटर के थ्रू वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसी वजह से हम इस जनरेटर को कहते हैं कि ये एसी जनरेटर है, क्योंकि इससे जो करंट मिलता है वो अल्टरनेटिंग करंट वाला होता है। अब ये मैग्नेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी किस तरीके से आती है? ये इस तरीके से आती है कि यहाँ पर हमारी ये जो कॉयल है, जिसे आर्मेचर कॉयल कहते हैं, जो इन हॉट शू मैग्नेट के पोल्स के दरमियान पड़ी हुई है, ये रोटेट करती है। मतलब कि हमारे पास रोटेशन ऑफ कॉयल होती है, इसके साथ साथ हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आ गई ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपस में मिलकर क्या करती हैं, ये करंट इंड्यूस्ड कर देती हैं इसके अंदर, कॉयल के अंदर। तो ये हमारे पास करंट इंड्यूस हो जाता है जैसे ही हमारी कॉयल रोटेट करती है, और रोटेट करती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के दरमियान, जो कहाँ से कहाँ तक होती है, नॉर्थ से लेकर साउथ पोल तक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से अफेयर हो रही होती हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल के जरिए एंटर हो जाती हैं। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, जिसे मैं एफ से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, और ये कॉइल की रोटेशन इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के दरमियान होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है करंट इंड्यूस हो जाता है। अब करंट इंड्यूस होता कैसे है? ये हमारे पास एक आर्मेचर कॉइल बनी होती है। आर्मेचर कॉइल क्या होती है? आर्मेचर कॉइल बेसिकली एक रेक्टेंगल स्लैब होता है जो कि मेटल का होता है। इसके ऊपर हमारे पास कॉपर की वायर होती है, जिसे हम लोगों ने इस तरीके से इसके ऊपर लपेट दिया होता है, और ये एक आर्मेचर कॉइल बन जाती है। इससे हम लोग दो टर्मिनल्स बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, एक शॉर्टर टर्मिनल होता है और एक लॉन्गर टर्मिनल होता है। जो शॉर्टर टर्मिनल होता है उसके साथ हम एक स्लिप रिंग जोड़ देते हैं, और जो लॉन्गर टर्मिनल है उसके साथ आगे वाला स्लिप रिंग जोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ पे है। ये शॉर्टर वायर है, इसके साथ पीछे वाला स्लिप रिंग जो है कनेक्ट कर देते हैं, और आगे वाला जो स्लिप रिंग है उसके साथ लॉन्गर वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है, इसके बाद यहाँ पर ये कार्बन ब्रशेस क्या करते हैं? ये कार्बन ब्रशेस इन कॉइल से आने वाले इंड्यूस्ड करंट को रिसीव करते हैं, और दूसरा ये कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी अगर हम लोग इसकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन के बारे में देखें, तो होता ये है कि ये जो रेक्टेंगल कॉइल है, जिसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं, ये आर्मेचर जब रोटेट करती है, तो पहली चीज़ तो ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को कट करेगी। अब तो ये पैरेलल डायरेक्शन में पड़ी हुई है ना, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बिल्कुल पैरेलल है, लेकिन जैसे ये रोटेट करती हुई 90 के एंगल पर आएगी, तो ये कुछ इस तरीके से इसकी डायरेक्शन होगी कि ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को अब कट करेगी। जाहिर सी बात है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसके अंदर से पास करेंगी तो इसे कट कर देगी। जैसे ही मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कट होती हैं, तो इस कॉइल के अंदर से जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो पास करती हैं वो भी चेंज होती हैं, जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर जो है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील हो जाता है। तो करंट यहाँ पर दो चीज़ों की वजह से इंड्यूस होता है, एक तो ये कि जब ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को कट करती हैं, तो इस कॉइल के अंदर जो है एक तो लाइन्स कट होगी, और दूसरी चीज़ ये होती है कि इन कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इस कॉइल के अंदर करंट को इंड्यूस कर देती हैं। ये करंट इंड्यूस इस तरीके से होता है, इसे हम लोग एनिमेशन में देखेंगे, जिसके थ्रू आपको इजीली समझ आ जाएगी कि अल्टरनेटिव करंट आकर किस तरीके से फ्लो करता है। ये आर्मेचर कॉइल होती है। अब अगर हम इसकी डेरिवेशन के बारे में देखें, लेकिन डेरिवेशन के बारे में देखने से पहले स्लिप रिंग का जो है काम, वो भी मैं बता दूं कि स्लिप रिंग को हम लोग यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इन स्लिप रिंग के साथ हम लोग इस कॉइल को कनेक्ट कर देते हैं, और इस पूरी की पूरी कॉइल को इसके अंदर रोटेट करना होता है, स्लिप करना होता है, इस वजह से हम यहाँ पर स्लिप रिंग इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि हमें मालूम है कि हमारी जो कॉइल है वो इस तरीके की, इस तरह से रेक्टेंगल शेप की कॉइल है, जिसके एक टर्मिनल को जो कि लॉन्गर टर्मिनल होता है उसे आगे वाले स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और जो शॉर्टर टर्मिनल है उसे पीछे वाले स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट कर लिया जाता है। इस तरीके से ये दोनों स्लिप रिंग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि कार्बन ब्रशेज लगे हुए हैं, और ये कार्बन ब्रशेज जो हैं यहाँ पर आकर गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड हैं इस तरीके से। अब इस जो ये जो आर्मेचर कॉइल है, इस आर्मेचर कॉइल की कोई ना कोई लेंथ भी होगी, जिसे एल कह देंगे, इसकी कोई ना कोई विड्थ भी होगी, जिसे वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और चूंकि ये सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रही होती है हॉट शू मैग्नेट्स के पोल के दरमियान, तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी।
और हमें ये भी मालूम है कि जब कोई चीज़ सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तो वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रही होती है, और अगर किसी भी पॉइंट पर हमें उसकी यानी कि इस जो है हमारे पास आर्मेचर कॉइल है, अगर मैं किसी भी पॉइंट पर जब ये सर्कल में मूव कर रही हो इसकी किसी भी टेंजेंट पर इसकी वेलोसिटी मालूम करना चाहूँ तो वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है जो कि वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा के इक्वल होती है। अब ये आर जो है ये रिलेशनशिप होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। आर को हम लोग किस तरीके से बता सकते हैं? आर को हम ऐसे बता सकते हैं, हमें मालूम है कि ये जो कॉइल है ये सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, इसका जो रेडियस है वो ये है स्मॉल आर। और अब देखा जाए तो ये जो कॉइल है जाहिर सी बात है इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल पूरा का पूरा हिस्सा ही सर्कुलर जो है सर्कल के अंदर मूव कर रहा होता है ना। लेट्स से कि जब ये कॉइल मूव करती है तो इस पूरे के पूरे सर्कल के अंदर मूव करती है, तो इस वक्त इसका जो डायामीटर होता है वो इसकी विड्थ वाई के इक्वल होता है, यानी कि डायामीटर और विड्थ इक्वल होते हैं। तो अगर मुझे रेडियस चाहिए तो मैं रेडियस के लिए क्या कर सकती हूँ कि वाई को अगर मैं 2 पर डिवाइड कर दूँ तो ये चीज़ मेरे पास रेडियस आ जाता है। तो इस तरीके से मैं बता सकती हूँ कि टेंजेंशियल वेलोसिटी को मैं वाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा के फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब उसके बाद इसे वाई बाई 2 के फॉर्म में हम लोग इसलिए लिख रहे हैं और टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम लोग इसलिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ और लेंज़ लॉ के अलावा के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो जो ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होती है हमारे पास एप्साई, उसे हम इस तरीके से बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे पास रेक्टेंगल कॉइल है, ये जो है वो मैग्नेट के पोल्स के दरमियान मूव कर रही है। लेट्स से कि ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये हमारे पास आ जाती है सी साइड और ये डी साइड आ जाती है। जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास पोल्स भी बना लेते हैं हम इस तरीके से, हमारे पास जो है पोल्स होते हैं मैग्नेट के इस डायरेक्शन में, ये हमारे पास पोल आ गया जिसे हम लोग कह देते हैं ये नॉर्थ पोल है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक पोल आ गया जिसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो है साउथ पोल है। इस तरीके से अब हमें मालूम है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से इस कॉइल के दरमियान इसे कट करेंगी जैसे ही ये रोटेट करेगा। अगर तो ये बिल्कुल पैरेलल पड़ा है ना तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी इसकी पैरेलल है, लेकिन जैसे ही फॉर एग्जाम्पल ये इसकी साइड ए है ना और ये इसकी साइड बी है, ये इसकी साइड सी है और ये इसकी साइड डी है, जैसे ए बी साइड ऊपर की तरफ टर्न करेंगी तो जाहिर सी बात है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कट करेंगी। जैसे कि ये साइड थोड़ी अपवर्ड है और ये साइड थोड़ी डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को ए बी ने कट किया है। ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसकी हम लोग यहाँ बात करें, जिसके लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला है जो कि हमें ये आसानी करेगी कि हम लोगों ने अगर इस साइड पे हम लोगों ने अगर अपनी एप्साई आई मालूम करनी है यानी कि हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है उसे मालूम करने के लिए हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन मालूम किया है। अब इस साइड पे जैसे ही अपवर्ड मूव करेगा तो जाहिर सी बात है इसने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कट किया, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है ये कट हो जाती है और जैसे ही कट होती है तो इस कॉइल के अंदर से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी तब्दील होता है जिसकी वजह से यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड होता है। अब वो चीज़ कैसे होती है? अब जैसे ही कॉइल रोटेट करती है तो हमारी ए बी साइड जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाती है, मतलब कि 90 के एंगल पर। उस वक्त क्या होता है कि हमारा जो बी है बी की डायरेक्शन इसी तरीके से होती है और वी की डायरेक्शन जो है इस तरीके से होती है कि वो टेंजेंट टू द कॉइल होती है। अब अगर इस साइड पे जैसे हमें मालूम है कि एक सर्कल उस वक्त कंप्लीट होता है जब कॉइल कोई भी चीज़ इस तरीके से मूव करे कि वो जीरो से करते हुए 90 तक जाए, 90 से यहाँ पर हमारे पास फिर 180 पर आए, 180 से 270 और 270 के बाद यहाँ पर जो है 360 पे जाके वो सर्कल को कंप्लीट कर दे। हमारे पास कॉइल ने क्या किया, जीरो से स्टार्ट करते हुए बिल्कुल पैरेलल कंडीशन से बिल्कुल परपेंडिकुलर कंडीशन में जब आ जाती है तो उस वक्त हमारी वी और बी के दरमियान जो एंगल है वो 90 का आ जाता है। तो अगर यहाँ पर हमें एप्साई ए बी की साइड पर बताना हो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हम उसे वी बी एल साइन थीटा के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। यहाँ पे जो वी है ये हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी है जो कि वाई बाई 2 इंटू ओमेगा के इक्वल है, बी एज इट इज ही एल और साइन थीटा इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो साइन थीटा है यहाँ पे साइन 90 के इक्वल है जिसकी वजह से इस साइड पे जो बाकी का सारा प्रोसीजर ऐसे ही आ जाएगा। इसलिए जो इस साइड ए बी पर एप्साई आ जाती है यानी कि इस साइड पर जो हमारे पास वो कुछ इस तरीके से होगा कि इस साइड पर जो इंड्यूस्ड ई एम एफ आई है वो हमारे पास वाई बाई 2 इंटू ओमेगा इंटू बी एल के इक्वल आ जाएगी, चूँकि साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल है तो यहाँ पर हमारे पास वाई बाई 2 इंटू बी एल के इक्वल आ जाएगी। और इसी तरीके से जैसे ही ये रोटेट करती हुई इसकी साइड बी डी, जाहिर सी बात है ये पहले पैरेलल कंडीशन में थी, उसके बाद हमारी ए बी साइड जो है परपेंडिकुलर कंडीशन में गई, उसके बाद हमारी कॉइल जो है रिवर्स हो जाती है। और रिवर्स इस तरीके से होती है कि ए बी साइड अब बी डी की साइड पर आ जाएगी और बी डी साइड जो है ए बी सी की साइड पर चली जाएगी और कॉइल दोबारा आ फिर भी पैरेलल कंडीशन में ही जाएगी।
तो जब ये पैरेलल कंडीशन में आ जाती है, तो अब अगर मैं एफ साई बताऊँ कि एफ साई जो है अब हमारी बी सी की साइड पे, तो वो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 180 आ जाएगा, तो साइन 180 जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। उसके बाद फिर जो है हमारी कॉइल अब इस तरीके से आ गई ना, ये हमारे पास डी आ गया था, ये सी, और ये हमारे पास जो है यहाँ पर जो है हमारे पास ए और बी इस तरफ मूव हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, ये तो हमारी सेकंड कंडीशन थी ना, लेट्स से कि ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। ये इस तरीके से मैं सारी की सारी कंडीशन को बना लेती हूँ। ये ए है, ये बी है, ये डी है, और ये हमारे पास सी है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है जब हमारी कॉइल पैरेलल थी। उसके बाद क्या होता है कि हमारी ए बी साइड जो है वो परपेंडिकुलर कंडीशन में जाती है और इस तरीके से आ जाती है। अब ए बी साइड जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर है हमारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के दरमियान, और ए बी साइड अपवर्ड है और डी सी साइड डाउनवर्ड है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास डी सी साइड जो है वो अपवर्ड आ जाती है, और बल्कि पहले हमारे पास ये कंडीशन होगी कि डी सी इस तरीके से आ जाएगा, और जाहिर सी बात है वो इस तरीके से है, हमारे पास 360 से मूव करते हुए 90 पे आए हैं परपेंडिकुलर कंडीशन में। अब परपेंडिकुलर के बाद साइड रिवर्स होके दोबारा पैरेलल कंडीशन में आ जाएगी, तो यहाँ पे डी सी और यहाँ पर हमारे पास ए बी आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने फर्दर मूव करना है, तो आगे जाते हुए हमारे पास इस तरीके से होगा। अब यहाँ तक तो हमारे पास जो एंगल था वो ज़ीरो था, उसके बाद हमारे पास एंगल 90 होता है, उसके बाद एंगल जो है 180 होता है, क्योंकि अब ए बी की साइड जो है रिवर्स हो गई है डी सी के साथ। अब जैसे ए बी जो है अपनी पैरेलल कंडीशन से परपेंडिकुलर कंडीशन में आई थी, एज इट इज़ ही हमारी डी सी ने भी अपनी पैरेलल कंडीशन से परपेंडिकुलर कंडीशन में जाना है। तो जैसे ये अपनी पैरेलल कंडीशन से परपेंडिकुलर कंडीशन में जाएगी, तो ये सिचुएशन ऐसी होगी कि ये डी सी है और ये वाली जो चीज़ है हमारे पास इस तरीके से ये ए बी आ जाएगी। और इसे हम थोड़ा सा ऐसे करके बना लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं ताकि हमें सही तरह अंदाज़ा हो जाए। ये इस तरीके से हमारे पास आ रही है और ये कॉइल इस तरीके से इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पर ये हमारे पास जो है यहाँ पर ए और बी आ जाएगा, क्योंकि अब कॉइल जो है डी सी जो है परपेंडिकुलर हो गई है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के दरमियान। तो ये किस सिचुएशन में होती है, 180 के बाद 270 एंगल पर होती है। ये 270 एंगल के पे अब हमारे पास सिचुएशन आ गई। अब 270 के बाद जो है हमारे पास होना ये है कि दोबारा ए बी ने जो है बी सी की जगह आ जाना है। तो ये जब दोबारा पैरेलल कंडीशन में आती है तो हमारे पास सर्कल कम्प्लीट हो जाता है, और अब ए बी दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ जाते हैं और डी सी भी अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ जाते हैं, और ये वाला काम जो है 360 पर होता है। तो इस तरीके से ये जो कॉयल है, इस ये जो आर्मेचर कॉयल है, ये होशू मैग्नेट के दरमियान जो है मूव करती चली जाती है। जब पहली कंडीशन होती है तो हमारे पास यहाँ पर जो है ईएमएफ ज़ीरो प्रोड्यूस होती है। जैसे ये वाली कंडीशन आती है एफ साई ए बी की साइड पर, तो यहाँ पर चूंकि एंगल 90 आ जाता है, तो यहाँ पर वी बी एल साइन थीटा की जगह यहाँ पर हमें साइन 90 लगाना पड़ता है। जैसे कि ये हमारे पास वी बी एल है और ये साइन 90 आ जाता है, और साइन 90 चूँकि मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो हमारे पास ए बी के साइड पे जो वी बी एल की वैल्यू आती है वो हमें सिंपल वी बी एल मिल जाता है। इसी तरीके से जब 180 की बारी आती है, तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स और बी के दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सी डी की साइड पर, जैसे सी डी यहाँ फ्रंट की साइड पर आती है, तो यहाँ पर एफ साई आई ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एफ साई सी डी की ही साइड पर आती है, चूँकि अब सी डी ही पैरेलल कंडीशन से जो है परपेंडिकुलर कंडीशन में गई है, तो सी डी की साइड पर ही हमारे पास एफ साई आएगा ना। तो अब यहाँ पर जो एफ साई आएगा वो भी वी बी एल साइन थीटा होगा, और यहाँ पर जो साइन थीटा है वो 270 है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास वी बी एल की एक वैल्यू आ जाएगी। उसे भी हम वी बी एल लिख देते हैं नेगेटिव साइन को इग्नोर करके, तो यहाँ पे एफ साई सी डी आ जाएगा। इसके बाद जब दोबारा पैरेलल कंडीशन में जाएगी, तो दोबारा हमारे पास एफ साई जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और जो वो जो ज़ीरो होगा वो ए बी की साइड पर होगा। तो इस तरीके से सर्कल कम्प्लीट हो जाता है। इस पूरे सर्कल के दौरान हमारे पास एफ साई जो है वो सिर्फ दो साइडों पर आती है, और दो साइडों पर उस वक्त आती है जबकि जब उनके दरमियान का एंगल 90 का होता है, मतलब जब कॉयल जो है परपेंडिकुलर कंडीशन में आती है, चाहे वो डी सी की साइड आए या ई बी की साइड जो है परपेंडिकुलर कंडीशन में आए, तो हमारे पास एंगल 90 होता है। उस वक्त सिर्फ हमें एफ साई आई जो है वो ऑब्टेन होता है, यानी कि ई एम एफ का हमें पता चलता है। अब एक तो हमारे पास एफ साई जो है एफ साई ए बी आई थी ए बी की साइड पर, जिसमें हमें वैल्यू मिली थी, यानी कि एफ साई जो है वो टोटल एफ साई ए बी प्लस एफ साई जो है सी डी के इक्वल आई है। तो जो एफ साई ए बी है उसकी वैल्यू भी हमारे पास वी बी एल है, यहाँ वी बी एल साइन 90 की जगह हम लोग कम्प्लीटली साइन थीटा ही लिख लेते हैं, और ये सी डी की जगह भी अगर वी बी एल साइन थीटा ही लिख लें,
ये वी बी एल साइन थीटा, साइन थीटा इसलिए लगा रहे हैं कि अगर 90 के अलावा 70, 45, 60 कोई भी एंगल हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे साइन थीटा लगा लिया। 90 से तो हमें ये चीज़ समझ आ जाती है ना कि दो जगह पे हमारे पास सिर्फ एफ्साई यानी कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगी सिर्फ दो साइड पे पूरे सर्कल के दौरान। तो इस तरीके से हम लोग दो साइड के तो बता सकते हैं कि 90 की वजह से दो साइड पे हमारे पास एफ्साई आई है, लेकिन अगर 90 की जगह कोई और एंगल हो तो उसके लिए हमें साइन थीटा यहाँ पर लगाना पड़ता है। तो भी जो हमारे पास टोटल ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो दो साइड पर हुआ है, एक साइड ओबी पर जब वो परपेंडिकुलर कंडीशन में थी और एक साइड सीडी पर जब वो परपेंडिकुलर कंडीशन में थी जब उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। अब ये वाला जो कंडीशन है ये पूरी की पूरी कंडीशन ये तो उस वक्त थी ना जब हमारे पास सब कुछ पैरेलल था यानी कि इनिशियल कंडीशन में। जैसे ही करंट प्रोड्यूस होना शुरू होता है तो ये इस तरीके से हमारे पास सर्कल कम्प्लीट होना शुरू हो जाता है, ये सर्कल इन दो डायरेक्शन में कम्प्लीट होगा और उसके बाद जो है दोबारा से हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाती है इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दरमियान। मतलब कि हमारे पास डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, पहले ए बी ऊपर वाली साइड पे थी, इसका मतलब है कि ये ए बी का कर्व आ गया, उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास क्या था डी सी जो है डाउनवर्ड थी, इस तरीके से बाद में हमारे पास डी सी अपवर्ड आ जाता है ए बी डाउनवर्ड आ जाता है। तो इस तरीके से ये वाली जो चीज़ है ये हमें ए सी करंट जो है प्रोवाइड करती चली जाती है। अब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो ई एम एफ प्रोड्यूस हुई है वो दो साइड पर प्रोड्यूस हुई है और हमें ये भी मालूम है कि जो टोटल ई एम एफ है वो वी बी एल साइन थीटा के इक्वल है। यहाँ पे ये जो वी है और यहाँ पर भी हमारे पास वी बी एल ही लगा दें साइन थीटा, ये सी डी की साइड पर है और ये ए बी की साइड पर है। ये जो वी है इसे हम लोगों ने कहा था कि हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी है जो कि वाई बाई टू इंटू ओमेगा की इक्वेशन। अगर मैं इस चीज़ को इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मेरे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी कि यहाँ पे वाई बाई टू इंटू ओमेगा ये वाली चीज़ जो है ए बी की थी इंटू बी एल साइन थीटा और ये वाली चीज़ जो है यहाँ पर वाई बाई टू इंटू ओमेगा आ जाएगा। ये वाली साइड जो है वो सी डी के लिए है और यहाँ पर बी एल साइन थीटा एज इट इज नहीं आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को कांस्टेंट मानूँ यानी कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर वी है यहाँ पर वी है तो इन अगर इस पूरी चीज़ को आप ये इग्नोर करें कि ये बी सी की साइड पर है और सी डी की साइड पर, आप एज्यूम कर लें कि ये एक ही साइड पर है तो उस वक्त आप ये कह सकते हैं ना कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एडिशन होकर यहाँ पर आपको टोटल टू टाइम वी बी एल साइन थीटा मिल जाएगा। क्योंकि चाहे तो साइड ए बी की हो या सी डी की हो, बात तो यही है कि यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी प्रोवाइड हो रही है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है थ्रू आउट द सर्कल सेम होती है। मतलब कि यहाँ पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वही टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पर भी होगी, क्योंकि ये सर्कल की बात है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो ओमेगा है। तो अगर ओमेगा जो है वो कॉन्स्टेंट है और उसके साथ जो आर है वो हर जगह ही वाई बाई टू है तो हर जगह जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास कांस्टेंट होगी, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा का मतलब है कि कॉइल की जो रोटेशन है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ हो रही है। तो अगर कॉइल की जो रोटेशन है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ कांस्टेंट जो है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के साथ हो रही है तो हमें यहाँ पे कह देना चाहिए कि हमारे पास टू टाइम वी बी एल साइन थीटा के इक्वल आ जाता है। और हमें मालूम है कि इस चीज़ की जो इस चीज़ को तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना इस तरीके से, और यहाँ पर ये जो वी है ये भी दो टाइम वी हो जाएगा। तो इसका मतलब है दो टाइम लिखने का मतलब तो हमारे पास बेसिकली ये हुआ ना कि यहाँ पर भी ये वाई बाई टू इंटू ओमेगा वी बी एल साइन थीटा है और ये भी हमारे पास वाई बाई टू इंटू ओमेगा वी बी एल साइन थीटा है। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो है टू ऊपर आ जाएगा और टू नीचे, इन दोनों चीज़ों से कट के बेसिकली हमारे पास जो सिंपल चीज़ बचेगी वो वाई ओमेगा बी एल साइन थीटा आएगी, जो कि हमें ये बताती है कि टोटल जो ई एम एफ प्रोड्यूस हुई है वो टोटल ई एम एफ ये प्रोड्यूस हुई है जो कि वाई ओमेगा बी एल साइन थीटा के इक्वल है। अब ये जो हमारे पास एल है और ये ओमेगा है, ये जो हमारे पास वाई अगर ओमेगा नहीं वाई, चूँकि हम लोगों ने वाई को कहा था कि ये हमारी विड्थ है, ओमेगा तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, तो वाई एल को मैं कंबाइन करके यहाँ कह सकती हूँ कि ये एरिया के इक्वल है। तो जब ये एरिया के इक्वल है तो इन दोनों को एरिया के इक्वल लिखने से यहाँ पर मेरे पास ए ओमेगा बी साइन थीटा आ जाएगा, जो कि ये बताता है कि अब जो टोटल ई एम एफ इंड्यूस हुई है वो ए ओमेगा बी साइन थीटा के इक्वल है। अब ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो टोटल ई एम एफ प्रोड्यूस हुई है वो ए ओमेगा बी इंटू साइन थीटा के इक्वल आ जाती है। और अगर मैं ये कहूँ कि हमें मालूम है चूँकि हम लोगों ने आर्मेचर कॉइल यूज़ किया है
और मेजर कॉइल में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं जो कि एक रेक्टेंगल स्लैब के ऊपर होते हैं। तो इसका मतलब है हर नंबर ऑफ़ टर्न्स के अंदर से कुछ ना कुछ तो करंट प्रोड्यूस हुआ होगा, ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस हुई होगी। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास टोटल ईएमएफ आती है बेसिकली वो एन नंबर ऑफ़ टर्न्स इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू बी साइन थीटा के इक्वल आ जाती है। और अगर मुझे ये बताना हो कि मेरे पास ये जो टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है, ये टोटल ईएमएफ जो है ये मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम किस कंडीशन में होती है? जब हमारे पास साइन थीटा जो है 90 के इक्वल आ जाए। जब साइन 90 के इक्वल आ जाता है तो बेसिकली हमारे पास ये सारा का सारा जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास इस सिचुएशन में आ जाता है कि एन ए ओमेगा बी के इक्वल आ जाता है। तो ये बेसिकली चीज़ हमें बता देती है कि अब साइन मैक्सिमम की वैल्यू जो है हमारे पास एन ए ओमेगा बी के इक्वल आ जाती है। और फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कुछ सिचुएशन जो है इस तरीके से हो रही है कि हमारे पास जो एंगल है वो एंगल 90 नहीं है बल्कि कुछ सर्टेन एंगल है, हो सकता है 60 हो, 45 हो, 70 हो, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो अगर कोई भी एंगल है तो मुझे अब साई की वैल्यू बतानी है, मतलब कि जो टोटल ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हुई है उसकी वैल्यू बतानी है। तो उसके लिए हम लोग यही करेंगे ना कि एन ए ओमेगा बी इंटू साइन थीटा, मतलब कि जो भी आपके पास एंगल हो, जो भी एंगल आए वो आप साइन थीटा की जगह यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस चीज़ को तो अभी मैंने प्रूव किया है कि ये वाली जो चीज़ है ये एप्साइन मैक्सिमम के इक्वल है। तो क्या यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरे पास टोटल ईएमएफ इंड्यूस होगी वो एप्साइन मैक्सिमम इंटू साइन थीटा के इक्वल आएगी। तो इस चीज़ को मैं वाकई इस तरीके से लिख सकती हूँ, क्योंकि इस तरह लिखने से हमारे पास हर्ष तो कोई नहीं पड़ेगा। एप्साई मैक्सिमम की जब भी वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है वो वैल्यू हम लोग लगा कर ही जो है टोटल ईएमएफ बताएंगे ना। तो एप्साई मैक्सिमम हमें मालूम है कि एन ए ओमेगा बी के इक्वल है, चाहे यहाँ पर आप एन ए ओमेगा बी लिख लो या उसको छोटा सा टर्म बना के एप्साई मैक्सिमम लिख लो, इससे फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा, बल्कि सिंपल आपको जो है टोटल ईएमएफ की वैल्यू मिल जाएगी। हम ये चीज़ें इसलिए करते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन से बच सकें, जबकि चीज़ हमारे पास वही आनी है जो इस तरीके से हमें मिलनी है। जाहिर सी बात है आप सब फैक्टर्स की वैल्यू डालकर ही तो एप्साई मैक्सिमम कैलकुलेट करोगे ना। तो जब एप्साई मैक्सिमम कैलकुलेट होगी तो उसे डायरेक्ट यहाँ पर लिखने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरीके से ये मेरे पास एप्साई मैक्सिमम आ जाएगी, यानी कि एप्साई की जो वैल्यू है वो एप्साई जो टोटल हमारे पास आएगी ईएमएफ, वो ईएमएफ इज इक्वल टू एप्साई मैक्सिमम इंटू साइन थीटा के इक्वल आ जाएगी। इसे आप चाहे इस तरीके से लिख लें कि यहाँ पे जो टोटल ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो एप्साई मैक्सिमम को आप इसे रिप्लेस कर लें एप्साई नोड इंटू साइन थीटा से। और आपको मालूम है कि जो साइन थीटा है ये थीटा को आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि थीटा की हमेशा जो वैल्यू है वो 2π और एफ टी के इक्वल होती है। चूँकि हम लोग थीटा को लिख सकते हैं कि ये ओमेगा टी के इक्वल है, तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो 2πf के इक्वल होती है। चूँकि सर्कुलर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, कॉइल जो है रोटेट कर रही है, तो किसी भी रोटेशन चीज़ की रोटेशन के दरमियान जो उसका एंगल होता है उसे हम ओमेगा टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओमेगा जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है जो कि 2πf की फॉर्म में लिखी जा सकती है, और टी इसका टाइम पीरियड होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को लिख दूँ कि एप्साई टोटल जो है मेरे पास एप्साई नॉट इंटू साइन 2πf टी के इक्वल है, तो इस तरीके से भी मैं इसे लिख सकती हूँ। अब बेसिकली हम लोगों ने तो ये कहा था कि एसी जनरेटर जो है ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब से हम लोगों ने वीडियो शुरू की है हम सिर्फ ईएमएफ एप्साई नोट की ही बात करते चले जा रहे हैं। हम लोगों ने किसी भी मोमेंट ये बात नहीं की है कि करंट इंड्यूस्ड हुआ है, जबकि करंट तो उसी वक्त इंड्यूस हो जाता है जैसे ही हमारी कॉइल जो है वो कट करती है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को, और दूसरी चीज़ की इस कॉइल के अंदर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को तब्दीली होती है, तो साथ ही हमारे पास करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। ये करंट जो इंड्यूस्ड होता है ये कॉइल के थ्रू हमारे पास स्लिप रिंग के पास जाता है, और स्लिप रिंग से होता हुआ जो इसके साथ जो कार्बन ब्रशेस हैं वो इसे कलेक्ट करती हैं, और जैसे ही कार्बन ब्रशेस कलेक्ट कर लेती हैं तो इन स्लिप रिंग के बाद यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को इंडिकेशन मिल जाती है कि इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो गया है। तो इस तरीके से करंट तो इंड्यूस हो गया, लेकिन जैसे हम इसकी एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर तो हमने करंट की बात नहीं की। करंट की बात हम लोगों ने इसलिए नहीं की क्योंकि करंट की बात अब हम करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो है हमारे पास ईएमएफ का एक फाइनल फॉर्म आ गई है, और ईएमएफ जो है बेसिकली हमारे पास वोल्टेज होता है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है किसी चीज़ के अंदर। अब अगर इस वोल्टेज को जो कि हमारी ईएमएफ है इसे मैं रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर ये मेरे पास टोटल ईएमएफ आई है, टोटल ईएमएफ को अगर मैं रेजिस्टेंस आर से डिवाइड कर दूँ
और ये रेजिस्टेंस कहाँ पर होती है? रेजिस्टेंस इस तरीके से होती है कि ये जो हमारे स्लिप रिंग है ना, जिनके साथ कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं, थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर भी लगी होती है, और उस रेजिस्टेंस के बाद हमारे पास यूँ गलवाना मीटर आता है और इस तरीके से सेकेंड स्लिप रिंग कनेक्ट होता है इसके साथ। तो ये रेजिस्टेंस भी हमारे पास इसी जनरेटर के अंदर मौजूद होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस तो ऐसा फैक्टर है जो हर चीज़ के अंदर मौजूद होता है, तो एसी जनरेटर के अंदर भी रेजिस्टेंस मौजूद होती है। जैसे ही रेजिस्टेंस को आप अपने इस टोटल वोल्टेज जो कि ईएमएफ है इंड्यूस हुई है से डिवाइड कर देते हैं, तो ये चीज़ आपको करंट दे देती है। तो अब अगर आप इस दोनों जगहों इस चीज़ को अगर आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें और यहाँ पर आर नोड लिख दें, चूँकि साइन नोड है तो यहाँ पे आर नोड लिख दें, तो आपके पास जो करंट है वो आई इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी भी आ जाएगा, या आई नोड इंटू साइन टू पाई एफ टी भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो है करंट इंड्यूस्ड हो जाता है आपके एसी जनरेटर के अंदर। अब इसकी ग्राफिकल फॉर्म को अगर हम लोग देखना चाहें तो हम इसकी ग्राफिकल फॉर्म को इस तरीके से देख सकते हैं कि सिंपली हम लोग यूँ कह दें कि लेट्स से कि ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी जब हमारे पास वी और बी इस सिचुएशन में है। लेट्स से कि हमारे पास पहली कंडीशन है, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये डी है और ये सी है। ये फर्स्ट कंडीशन है जब हमारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ये है और टेंजेंशियल वेलोसिटी भी इस तरफ है। क्योंकि अब यहाँ पर हमें क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को हमारे ये कॉइल जो है वो कट नहीं कर रही, लेकिन जैसे ही इसके पास सेकेंड सिचुएशन आती है हमारी आर्मेचर कॉइल मूव करना शुरू करती है। आर्मेचर कॉइल मूव इस तरीके से करती है कि हमारी ए बी साइड जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के दरमियान। तो ये हमारे पास डी सी है, तो जैसे ही ये परपेंडिकुलर आ जाती है तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वी और बी के दरमियान जो है एक एंगल बनना शुरू हो जाता है जिसे हम 90 कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ईएमएफ आना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ होती है, इसके बाद हमारे पास ये फॉर्म आती है। यहाँ तक तो हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म आ जाएगी, अब ग्राफिकल फॉर्म भी हम साथ साथ देखते रहें। इसके बाद हमारे पास ये होता है कि आपकी कॉइल ने रिवर्स कर जाना है। जैसे ही कॉइल रिवर्स करेगी, जाहिर सी बात है पहले पैरेलल कंडीशन में पड़ी थी, पैरेलल कंडीशन के बाद हमारे पास ई बी जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर कंडीशन में आ गया। जैसे ही परपेंडिकुलर कंडीशन में आएगा तो अब अगली जो है सिचुएशन उसमें क्या होगा कि ए बी ने डी सी की जगह पर चल जाना है और डी सी ने क्या करना है, ए बी की जगह पर आ जाना है। तो जब ये वाली फॉर्म आती है तब दोबारा हमारे पास बी और बी जो है वो पैरेलल कंडीशन में आ जाते हैं और यहाँ पर एंगल जो है 180 का बनता है। तो एंगल जो है यहाँ तक 180 का बनता है, उसके बाद इसलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते चले जाना है। और इसके बाद अगली सिचुएशन क्या आती है कि डी सी अभी तो पैरेलल है लेकिन डी सी ने परपेंडिकुलर कंडीशन में भी तो जाना है ना। तो जैसे ही यहाँ पर आप मजीद ये रोटेशन होती है तो हमारे पास ये जो डी और सी है ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाते हैं हमारे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के दरमियान और ये हमारे पास ए और बी एज इट इज ही रह जाते हैं। जैसे ये वाली कंडीशन आती है तो 360 जो है हमारे पास यहाँ पे एंगल कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से थ्रू आउट द प्रोसेस मूव करके इस तरीके से आते हैं तो ये सर्कल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि ये यहाँ बल्कि 360 नहीं, यहाँ पर हमारे पास एंगल 270 आता है ना, क्योंकि यहाँ पर डी और सी जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर कंडीशन में आ जाते हैं। डी सी जो है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कट करता है, तो बी इस तरीके से और बी के दरमियान बी नीचे डाउनवर्ड चले जाता है, तो यहाँ पे जो है 270 का एंगल बन जाता है। इसके बाद अगली कंडीशन ये आती है कि दोबारा ए बी जो है अपनी पहली वाली पोजिशन पर आ जाते हैं, ए बी दोबारा इस तरीके से अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं और डी सी दोबारा अपनी पोजीशन पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से 360 का एंगल आ जाता है और यहाँ पर ई एम एफ जीरो हो जाती है। तो इस तरीके से हमें कंप्लीट सर्कल मिल जाता है कि ये वो वाली सिचुएशन थी जब ए बी ने मूव किया और ये वो वाली कंडीशन थी जब डी सी ने मूव किया। तो इस तरीके से हमारी पूरी कंडीशन बन जाती है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ मूव हुई। ये हमारी इनिशियल कंडीशन है जब हमारा ए बी पैरेलल कंडीशन में होता है। जैसे ही ए बी जो है परपेंडिकुलर कंडीशन में जाता है इस तरीके से, इसे यूं यूं करके समझ लेते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। लेट्स से कि ये हमारे पास वो कंडीशन है जब जीरो से काम स्टार्ट हुआ, जब हमारा ए और बी जो है, जब हमारा क्या था कि बी और बी जो है हमारे बिल्कुल पैरेलल कंडीशन में पड़े होते हैं। और इसके बाद वो कंडीशन आ जाती है जब हमारे बी और वी के दरमियान जो है एंगल 90 का बनता है। ये वो वाली कंडीशन है जब हमारी ए बी साइड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। ये इस तरीके से 90 तक का वो काम है जब ये ए बी साइड अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इसमें जो है जीरो पे ये पैरेलल थी, उसके बाद ए बी साइड ऊपर की तरफ हो जाती है। इसके बाद वो वाली कंडीशन आती है जहाँ पर हमारे पास वी और बी दोबारा से जो है पैरेलल हो जाते हैं और ये वो वाली कंडीशन है जब हमारी साइड डी सी इस तरीके से इस तरफ आ जाती है, यानी कि ये हमारी अब साइड डी और सी बन गई है।
उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये वो वाली कंडीशन आ जाती है जब हमारा डीसी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाती है। और इस डायरेक्शन में ये वाली, इस वाली सिचुएशन की बात कर रही हूँ, इसे मैं नाम दे देती हूँ कि हमारा सी कंडीशन है, ये हमारी जीरो, इसके बाद ये हमारी ए कंडीशन है, ये हमारी बी कंडीशन है, ये हमारी सी, और ये हमारी फाइनल कंडीशन डी है। अब मैं सी कंडीशन की बात कर रही हूँ। सी कंडीशन में क्या होता है कि डीसी साइड अपवर्ड मूव करती है, ऊपर की तरफ आ जाती है, लेकिन ये डायरेक्शन रिवर्स करके आती है। मतलब पहले ए बी साइड पे थी, अब ए बी की डायरेक्शन रिवर्स होगी और सी डी उसकी जगह चलेगी। तो यहाँ पर जो एंगल आता है बी और वी के दरमियान, वो आता है 270, जिसकी वजह से डीसी की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो डाउनवर्ड आ जाती है। इसके बाद 270 के बाद ये 0 या 360 हो जाता है, यानी कि दोबारा ए बी अपनी जगह पे और डीसी अपनी जगह पे चले जाता है, जिसकी वजह से ये दोबारा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। और दोबारा यहाँ पर क्या आता है, हमारे पास ए बी जो है दोबारा यहाँ पर आ जाता है, और बी और वी यहाँ पर दोबारा जो है पैरेलल होकर 0 हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म भी आ जाती है और कॉइल के रोटेशन का भी हमें पता चल जाता है। इस चीज़ को हम लोग एक एनिमेशन में देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अब जैसे कि अगर मैं आपको इसी जनरेटर की एक एनिमेशन के बारे में दिखाऊं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो कनकेव शेप के जो हैं वो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, यहाँ पे साउथ और नॉर्थ पोल हैं दो हमारे पास, जहाँ पर यहाँ पर एक हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगल कॉइल, इसके साथ हमारे पास यहाँ पे रिंग्स आ गए अटैच हो जाते हैं जिन्हें हम लोग स्लिप रिंग्स कहते थे, साथ ही हमारे पास कार्बन ब्रशेस भी आ गए। तो इस तरीके से ये रोटेट करते चले जाते हैं, इनकी रोटेशन से हमारे पास एक EMF इंड्यूस होती चली जाती है। इसके साथ ही साथ हमने सर्किट के अंदर जो है रेजिस्टेंस भी लगाई होती है। जैसे ही इंड्यूस्ड होने वाली EMF को हम लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं, तो मैथमेटिकली हमारे पास जो है करंट भी आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करके जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है रिसीव कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और करंट की जो प्रोडक्शन है वो हमें बेसिकली इंडिकेट करती है कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक करंट आ गया है। इस तरीके से ये जो है ये रोटेट करता चला जाएगा, और इसकी रोटेशन से हमारे पास जो है करंट प्रोड्यूस होता चला जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये कभी इस डायरेक्शन में मूव करता है तो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करके ये मूव करता चला जा रहा है, और इसकी मूवमेंट से गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ है साथ, उससे हमें मालूम होता चला जा रहा है कि इसमें कितनी EMF इंड्यूस होती चली जा रही है।